लॉकडाउन में शराब दुकान बंद है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। ऐसा ही एक मामला सिवनी में देखने को मिला, जहां कच्ची शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा था। सिवनी के ग्राम पोतलपानी में उरियामल स्टॉप डैम के पास एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में महुआ की कच्ची अवैध शराब रखकर बेच रहा था, जहां पुलिस ने दबिश दी और आरोपी भगवानी प्रसाद उइके को कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ लिया। इसके पास से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। ये ग्राम पोतलपानी में है। भगवानी पिता कुंवरचंद उइके, जाति गोंड, उम्र 55 वर्ष, निवासी पोतलपानी का। ये काफ़ी अरसे से अवैध कच्ची शराब बनाने का सूचना मिली थी, जिसके संबंध में आज स्टाफ के साथ दबी दी गई। आरोपी की कब्जे से 4 केन जिसमें 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई, तो लगभग कीमत इसकी 12,000 रुपये है। जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इसको न्यायालय रिमांड पे भेजा गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।